ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत गंभीर, विलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में होंगे शिफ्ट। सीडीएस विपिन रावत समेत 13 अधिकारियों के निधन पर रक्षा मंत्री का बयान, जाहिर किया शोक। सीडीएस जनरल रावत की मौत पर लोकसभा में बोले राजनाथ सिंह, एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम कर रही जांच। दिल्ली में फिर बढ़ रहे कोरोना के केस, बुधवार को पिछले 100 दिनों में सबसे ज्यादा मामले किए गए दर्ज। कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे वाली जगह से मिला ब्लैक बॉक्स, खुल सकते हैं हादसे के राज। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत समेत अन्य अधिकारियों की आकस्मिक मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनरल रावत के आकस्मिक निधन को देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए जनरल रावत ने महान योगदान दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले आज से राज्य की राजधानी देहरादून में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सत्र के पहले दिन सदन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन और अन्य सैनिक अफसरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये निर्णय विधानसभा की कार्य मंत्रालय समिति की बैठक में लिया गया। वहीं बुधवार को सत्र की अवधि एक दिन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके मुताबिक अब सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि पहले ये 9 और 10 दिसंबर को आयोजित किया जाना था। वहीं राज्य की सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर निशाना साधने की तैयारी कर ली है और माना जा रहा है कि शुक्रवार और शनिवार को सत्र हंगामेदार रहेगा। सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन के बाद शोक में डूबे उत्तराखंड के साथ नगर निगम ने आज होने वाले स्थापना दिवस के कार्यक्रम भी निरस्त कर दिए हैं। महापौर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि ये पूरे देश के लिए दुखद पल है और पूरा देश स्वर्गीय रावत और उनके साथ दुर्घटना में दिवंगत हुई उनकी पत्नी और अन्य सैन्य अफसरों के लिए शोकाकुल है। निगम ने सामान्य दिनों की तरह आमजन के कार्य चलते रहेंगे, लेकिन गुरुवार को 24वें स्थापना दिवस पर किसी तरह का आयोजन नहीं होगा। नगर निगम देहरादून के 24वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर निगम ने रोक लगाई और जगमगाती लाइटों को महापौर के आदेश के बाद बंद कर दिया गया। कर्णप्रयाग पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल प्रसाद ने थाना थराली पहुंचकर आगामी विधानसभा चुनावों में शांति व्यवस्था बनाए और सुझावों को लेकर पुलिस कर्मियों और व्यापार संघ समेत वाहन चालकों के साथ संयुक्त बैठक ली। बैठक में पुलिस और आम जन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के साथ ही व्यापारियों और वाहन चालकों की विभिन्न समस्याओं और शिकायतों पर भी विचार किया। इसके साथ ही आगामी चुनावों में मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने पर भी चर्चा की गई। हाँ, आज जो मीटिंग मेरे द्वारा ली गई यहाँ पे, ये थराली क्षेत्र के सीएलजी के मेंबर और यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं तथा हमारे जो स्टाफ के यहाँ पे कर्मचारी गण हैं, उनकी यहाँ पे मीटिंग ली गई। इसका मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें किस तरह से हम लोगों की भागीदारी रहेगी, किस तरह से हम लोग आप पुलिस का सहयोग, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह से पुलिस का सहयोग इस चुनाव के दौरान कर सकते हैं, इस संबंध में चर्चा की गई तथा मेरे द्वारा अपने थाना स्टाफ को आगामी चुनाव के दृष्टिगत उनको दिशा निर्देशित किया गया कि वो आगामी चुनाव के दृष्टिगत अपने कार्यप्रणाली में सुधार लाएं और अच्छी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हुए चुनाव को
आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं। चुनाव को लेकर ज्वालापुर विधानसभा की जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला और ग्रामीणों का कहना है कि भाजपा सरकार में महंगाई और बेरोजगारी देखने को मिल रही है, न ही जनता के पास कोई रोजगार है और परिवार का पालन पोषण करना भारी हो गया है। अब की बार भाजपा को भगाकर कांग्रेस की सरकार लाने का काम किया जाएगा। इसलिए इसलिए क्या, देखो पिछले दिनों से देखो यहाँ रास्ते कैसे हो रखे हैं, सड़कें ऐसी हो रखी है। इधर देखो ये हमारे सुरेश राठौर जी है, इलेक्शन आए थे तो आ गए गांव में, बोले जय भीम जय रविदास और उसके बाद कुछ भी नहीं। कैसे विकास होंगे कार्यक्रम में? कुछ भी विकास नहीं हुआ गाँव में। तो इसलिए आप कैसा नेता चुनना पसंद करेंगे? जैसे हम तो कांग्रेस की सपोर्ट करेंगे, कोई भी नेता आ जाए कांग्रेस। भाजपा क्यों नहीं कर रहा? भाजपा ने इतनी महंगाई कर दी, रोजगार नहीं है, हम बेरोजगार फिर भी पढ़ लिख के कुछ भी नहीं है, बेकार है सब। देखो जी रुझान तो हमारा ये जो महंगाई है ना, इस महंगाई ने कमर तोड़ दी बहुत ज़्यादा, नहीं तो हम तो बीजेपी को पहुँच गए थे पिछली बार, फिर हमें वापसी होना पड़ा हम कांग्रेस की तरफ। क्यों कर रहे हैं आप कांग्रेस को सपोर्ट? कांग्रेस के टाइम में जी हमें बहुत सुविधा मिली थी, मतलब महंगाई नहीं थी, और आज के टाइम में देख लो कितनी महंगाई है, मतलब हर चीज़ महंगाई है। ये भंडी में तेल डल रहा, 5 रुपए का तेल डल रहा था कांग्रेस के टाइम में, और आज 5 रुपए का तेल मना कर रहे, कम से कम 50 का ले कर जाओ जब जाके एक हंडी का तेल मिलेगा डालने के लिए। तो महंगाई है, महंगाई की वजह से तो देखो हमें घेरना पड़ रहा, नहीं तो हमारे मोदी जी कोई गलत नहीं है, आदमी ठीक है, बस उसके कानून बेरोजगारी तो इतनी होगी है ही कहीं नहीं, अधिकारी जबरदस्ती ले रहा, बेरोजगारी तो इस कदर हो गई, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कहीं नहीं रोजगारी, समझ गए? धनौरी में निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें भारी संख्या में मतदाताओं ने हिस्सा लेकर ईवीएम वीवीपैट मशीन का प्रशिक्षण लिया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर सुखराज सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में लोगों को बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीन के नीले वाला बटन दबाकर वीवीपैट में ये तसल्ली कर ले कि अपने आपने जिस प्रत्याशी को वोट किया है वो सही जगह गया है या नहीं। इस प्रशिक्षण से जो युवा मतदाता पहली बार वोट करेंगे उन्हें काफी लाभ मिलेगा। ये क्या कहते हैं ईवीएम और वीवीपैट जन जागरूकता अभियान चल रहा है, जिसके तहत क्या कहते हैं हम वीवीपैट के बारे में और क्या कहते हैं बैलेट यूनिट के बारे में बता रहे हैं कि क्या कहते हैं किस प्रकार से आप क्या कहते हैं वोटर क्या कहते हैं किस तरीके से वोट करेगा। इसमें क्या है, जो भी चुनाव चिन्ह के सामने नीला वाला बटन दबाएगा उसके बाद वीवीपैट में देखेंगे तो वीवीपैट में क्या है एक पर्ची आएगी जो 7 सेकेंड तक दिखाई देगा, उसमें चुनाव चिन्ह दिखाई देगा, जो भी वोटर जिस भी पार्टी को वोट करेगा उसका चुनाव चिन्ह। देखते रहिए प्राइम टीवी।